गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा आर्मी के जॉब के लिए, मतलब इंडियन आर्मी के जॉब के लिए। तो इंडियन आर्मी से जो रिकमेंड है वो एक्चुअली 24 ग्रुप सी के पोस्ट है, और वो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑफलाइन बेसिस से। मतलब आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उस फॉर्म को आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे इस जॉब के नोटिफिकेशन, जॉब के क्राइटेरिया, साथ ही साथ फॉर्म कहाँ से मिलेगा उसका भी आपको डिटेल्स में यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के जॉब के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जॉब जो है, टोटल डिटेल्स जो जॉब है वो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब का जो लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया से आपको जॉब मिलेगा। तो इंडियन आर्मी से आपको जॉब ऑफर कर रहा है, 24 वैकेंसीज है, जिनमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर के लिए 1 पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 पोस्ट है, कुकिंग डिपार्टमेंट में 8 पोस्ट है, यहाँ पे देखिए बूट मेकर के लिए आपको 3 पोस्ट है, टेलर के लिए 2 पोस्ट है, एंड MTS सफाई वाला मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसके लिए सफाई वाला के लिए 3 पोस्ट। उसके बाद देखिए वॉचमैन के लिए आपको 2 पोस्ट दिए गए हैं, और बार्बर के लिए 3 पोस्ट दिया गया है, और MTS मेल के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। तो कुल मिलाकर 24 वैकेंसी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसका जो एज लिमिट है, जनरल के लिए 18 से 25, OBC के लिए 18 से 28, एंड SC ST के लिए 18 से 30 ईयर्स तक। सिलेक्शन का जो प्रोसीडियर रहेगा, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, इस दोनों टेस्ट के माध्यम से आप सिलेक्शन हो पाएंगे। एप्लीकेशन का जो फीस है वो कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो सैलरी पैकेज देखिए 18,000 से 81,100 तक आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो देखा जाए तो आप देखेंगे स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपको देखिए 12 प्लस होना चाहिए, और 80 WPM आपको स्पीड होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 1 साल के आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए। कुकिंग डिपार्टमेंट में 10 पास विथ मस्ट हैव नॉलेज इन इंडियन कुकिंग, मतलब कुकिंग डिपार्टमेंट में आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बूट मेकर के लिए आपको 10 पास होना चाहिए, टेलर के लिए आपको 10 पास होना चाहिए, MTS के लिए आपको 10 पास होना चाहिए, वॉचमैन के भी आपको 10 पास, तो बाकी जितने सारे पोस्ट है सबके लिए सब 10 पास होना चाहिए। तो अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए 18 मई, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस में आपको फॉर्म को भेजना होगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म दिखाने से पहले जरूर कहूंगा अभी तक अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो नोटिफिकेशन में जब क्लिक करेंगे और अप्लाई होने में जब क्लिक करेंगे तो अलग अलग पेज नहीं, एक ही पेज ओपन हो जाएगा, वो है इस पेज। इस पेज में जाकर आपको क्या करना होगा, पूरा फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, और इस फॉर्म को कोई भी साइबर कैफे में जाकर आप फॉर्म को तैयार कर सकते हैं। आप खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस फॉर्म को तैयार कर सकते हैं, उसके बाद प्रिंट आउट करिए और उसको डॉक्यूमेंट के साथ भेजिए। उसका एड्रेस भी मैं आपको पहले दे चुका हूँ, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने GKGI इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।